करतेस तू? पागल हो गई क्या? पागल थी इसलिए तो आपसे शादी की ना। जब देखो काम काम, अब छोड़ो काम और चलकर खाना खा लो। चलो ठीक है, आता हूं। तुमने खाया? नहीं ना, नाश्ता किया। अरे तो खाना खाती। और वैसे भी तू ये लहसुन की चटनी बहुत अच्छा बनाती है, घर में भी सबको बहुत अच्छी लगती है। हाँ, तो फिर ले, चल खा। आप खाओ, मैं खाती हूँ। अरे खाना लेती हूँ ना मैं। मैंने कहा ना खा, चल खा। मधुकर काका, मधुकर काका। अनंता, अनंता क्या हुआ अनंता को? करना समाधान नहीं है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा जिंदगी जीने का नया तरीका। तू चल, चल मेरे साथ, मैं सिखाऊंगा कि बंजर जमीन पे खेती कैसे की जाती है। चल मेरे साथ। आत्महत्या, आत्महत्या ना सिर्फ एक व्यक्ति को बेवक्त खत्म कर देती है, बल्कि उसके पीछे छूट चुके उसके पूरे परिवार को तबाह कर देती है। इसी दुर्भाग्य की श्रृंखला को तोड़ने में सालों से लगे हैं महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले के दवनीय पारगा गांव के मधुकर अन्ना चिद्रे। आज की कहानी मधुकर अन्ना चिद्रे जी की है, जो कि पेशे से एक किसान है, लेकिन जिंदगी भर दूसरे किसानों को जीवन जीने का हौसला देते आए हैं। मधुकर जी का दाहिना हाथ नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बाएं हाथ से संघर्षों की ऐसी कहानी लिख डाली जो बरसों तक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। मधुकर जी के संघर्ष और उनकी सफलता के बारे में जानने के लिए हमें उनके अतीत को जानना होगा। क्या भूख लग गई है ना तुम्हारा? खा लो। अगर मधुकर कहाँ गया? अभी तक आया नहीं है। आहो, चुटकी गई है उसे बुलाने। पता नहीं कहाँ भटकता रहता है लड़का। टाइम पे खाने पे नहीं आएगा, फिर बोलेगा ए आई भूख ही नहीं मिटती मेरी। ये लड़का भी ना। आई, हमारी भूख भी कम मिटती है। गप्पा बसा दोगी? बाहर समझाया तुम दोनों को, जितना है
उससे मैं गुजारा कर लो। तू भूखी रहेगी क्या? ले खा ले। बाबा पता नहीं छुटकी कहाँ रह गई, मैं देख के आती हूँ कहाँ है मधुकर। अब पूरा घर जाएगा उसको ढूंढने। जाओ देगा, आएगा वो, क्या करता रहता है पता नहीं। बार ऐसा मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। देखते हैं। चुटकी बहुत भूख लगी है, चल घर पे चल लीजिए। हाँ चल भाई। झूला आहो, अब कितना इंतजार करोगे, जेवन ही आता चला। तुझे पता है ना खाना मेरे गले से उतरेगा नहीं, सबके खाने के बाद ही मैं खाता हूं ना। लो आगे दोनों। आई बाबा, आज भाई कुश्ती जीत गया, गोलू को ऐसा पटका ऐसा। अरे चुप कर, कमेंट्री तो ऐसी सुना रही हो जैसे तेरा भाई कोई जंग जीत के आया हो। पता तर गया, आज मेहनत ज्यादा किया ना, एक रोटी खा ले। अरे पगली, तेरे कारण तो जीता हूँ और तू भी भूखी रहेगी, ये ले खा ले। आई ओ, तूने खाना खाया क्या? खाते रे बाड़ा, पर पहले मुझे ये बता तू कुश्ती कब छोड़ेगा? आई बस कल का लास्ट दिन है, कल फाइनल है आई, उसके बाद नहीं खेलूंगा। देख तो अभी बड़ा हो गया, मेरे काम में हाथ बटा। अरे इतनी सारी जमीन है पर हालात ऐसे है कि सुखे ने खाने को तक नहीं छोड़ा।
पता नहीं क्या होगा। बाबा बस कल का दिन, उसके बाद में आपके साथ ही आऊंगा आपके लिए जंग जीतने। अपनी जगह से खिसक गई है, चोट गहरी है, दवाई दे दी, सुधरने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए अरे काका, मधुकर का दर्द हो रहा है, उसे अस्पताल लेके चलते। अरे चल थक्कड़ कई का, ये सरो तुम लोगों की वजह से हुआ है, जा नहीं गए। उस दिन बाबा अगर मेरे दोस्त का कहा मान लेते तो शायद मेरा एक हाथ बच जाता। मेरे घर वालों ने मुझे ठीक होने के लिए वैद्य के भरोसे छोड़ दिया, पर जब मेरा दर्द बढ़ता गया तब जाकर मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां पता चला कि देर होने की वजह से पूरे हाथ में इंफेक्शन हो गया है और मुझे बचाने के लिए मेरे दाहिने हाथ को काटना पड़ेगा। आई बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि मेरा एक हाथ काट दिया जाए। वो पागलों की तरह चीखती रही, चिल्लाती रही। उसे रोकने के वास्ते उसे एक पेड़ में बांध दिया गया। और उसकी चीख के बीच मेरा दाहिना हाथ कट चुका था। कब तक नजरें बचाते फिरेगी? जा, तू उसे खाना खिलाएगी तो उसे और अच्छा लगेगा। मैं नहीं देख पाऊंगी उसे, मैं नहीं जाऊं शकत। कितना दर्द हो रहा है उसे, कितना चिल्लाते रहता है वो, मुझसे नहीं देखा जाएगा उसे। देख, उसकी मेथी की भाजी भी बनाई आज ना मैंने, उसे अच्छा लगेगा, तू जाके खिलाना। पर कब तक तू ऐसा करेगी आई? बहुत बार सोचा मैंने, उसके जाके मिलूं, बात करूं, बहुत प्यार करूं, हिम्मत हंसाएगा बहुत माजी लगी होगी ना उसे। जाओ तुम सब, जाओ उसके पास, उसको प्यार से खिलाओ।
कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। एक तरफ लगातार पड़ रहा है सूखा, जमीन होते हुए भी गरीबी की मार। सोचा था बड़ा होकर मधुकर हमारा सहारा बनेगा। हमेशा कहता था, बाबा आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, आप सबका दुख मैं दूर करूंगा। आप लोग जिस तरह से खेती करते हो ना, वैसा खेती मैं नहीं करने वाला। मैं तो नया तरीका ढूंढूंगा, सूखा पड़े या कुछ, हमारा खेत हरियाली के साथ लहराता रहेगा, सोना उगलेगा हमारे खेत में, सोना। मैं तो उसे देख ही नहीं पा रही हूं, क्या करूं? सारे सपने टूट गए, कितना कुछ सोच के रखा था कि अपना मधुकर बड़ा होके ये करेगा वो करेगा, सब खत्म। तुम्हारा माइते का वो मुझे हमेशा कहता था, आई मैं बहुत मेहनत करूंगा, बंजर पड़ी जमीन को उपजाऊ बनाऊंगा, देखना एक दिन हम भी बहुत अमीर हो जाएंगे। और एक दिन तू कार में बैठेगी, कार में। आई बता ना कहाँ बैठेगी, आगे बैठना पसंद करेगी या पीछे? हाँ आगे। क्या हुआ? मलम आई थे, तुझे भी सदमा लगा है, पर एक बात कहूं, मुझे भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मधुकर का अब समझ में आ रहा है कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं। हो काय बोलता है, कुछ भी बोले जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो सो पाता, सो जाइए, सो पा। बाबा तुम काय करता बाबा?
बाबा ये तुम्ही काय करता, कशाला रडताय? मी आहे ना बाबा, मेरा एक बाजू नहीं है तो क्या हुआ, दूसरे बाजू में अभी भी उतना ही दम है। बाबा तू देख लेना, मैं अपने इसी एक हाथ से आप सबका सपना पूरा करूंगा। बाबा आपका बेटा मरा नहीं है, वो जिंदा है, बस भरोसा करो मुझ पर। बाबा को बचाने के वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर आज भी वही दमकम है जो पहले था। बस क्या था, मेरे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ता ही चला गया। मैंने तय कर लिया था कि अपने इसी हाथ की मेहनत से अपने बाबा और आई का सपना पूरा करूंगा, अपना वादा पूरा करूंगा। कड़ी मेहनत और लगन से इसी बंजर जमीन पर लहलाती फसल लगाऊंगा और बाबा ही नहीं पूरे गांव को बताऊंगा कि आत्महत्या करना समस्या का हल नहीं है, पाप है। समय बीतता गया, कब मैं बड़ा हो गया, कब मेरी शादी हो गई, मेरी सारी बहनें कब घर से विदा हो गई पता ही नहीं चला। घर की हालत थोड़ी ठीक हुई थी पर वो सब कुछ नहीं हो पाया था जिसकी मुझे तलाश थी। कूदना मत। अरे तू भी उन डरपोकों की तरह आत्महत्या करेगी क्या? डरती क्यों है तू इतना? डरपोक? मैं डरपोक होती ना तो आपसे शादी नहीं करती। वो तो है, तूने ना मुझसे शादी करके बड़ा साहस का काम किया। देख जब तू मेरी जिंदगी में आई है ना बहुत कुछ बदल गया है। अगर तू मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मैं यहां तक नहीं पहुंचता। हमारी बंजर जमीन भी आज उपजाऊ खेतों में बदल गई है। बस अब एक ही सपना है, मां को नई कार लेकर गांव की सैर कराना। और मुझे? तू भी है ना पीछे बैठेगी मगर बच्चों के साथ। और हाँ, इस बार थोड़ी ज्यादा मेहनत करके अपनी बाकी की बंजर जमीन भी उपजाऊ खेती में बदल दो, और जब ज्यादा फसल आएगी तो कार खरीदोगे है ना? आहो। हाँ बोलो। सुन भाई अभी तक आई नहीं, खेत में जाती है ना तो खेत की हो जाती है ये सुन भाई। अभी खाना पकाने का टाइम हुआ है, कदी एल और कब पकाएगी? अगर आएगी कैसे, काम करती रहोगी। अब हम खेत में नहीं जाते तो क्या वो लोग काम नहीं करेंगे? आई आ गई मैं, बताओ क्या बनाना है आज? कुछ अच्छा बना हा, झुनका भाकर बना और लहसुन का चटनी भी बना दे। बर ये मधुकर नहीं आया, इतनी धूप पड़ी है कब तक काम करेगा? बाबा खेत से तो निकला था मेरे साथ पर गांव में रुक गया। अच्छा गांव वालों को समझा रहा होगा, पर कोई समझेगा तो? सब पागल है यहाँ, वेड़े मरना चाहेंगे, मरना पसंद करेंगे मगर कोई मेहनत नहीं करेगा। और तुम, तुमने क्या किया? अच्छा बेटा तेरी दीदी कहाँ गई, जरा ढूंढ के आता। जरा आता आता हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा है, गांव का कोई भी किसान या कोई भी आदमी उसे लगता हो कि उसके पास काम नहीं है वो कुछ कर नहीं सकता और वो कायरों की तरह मौत को गले लगाना चाहता हो, अरे भाई उसे मेरे पास लेके आओ, मैं उसे सिखाऊंगा जिंदगी जीने का नया तरीका। अरे भाई करे तो क्या करे, गांव की खेत की जमीन पूरी सूखी पड़ी है, वहां जाके धरनी माँ की पूजा करे, क्या वो कहे ए धरनी माँ गीली हो जा गीली हो जा। 4 साल हो गए बारिश का एक बूंद नहीं गिरा यहाँ, अब बोले खेती करनी है। लो पक्या मेहनत करनी होगी और वो भी दिमाग लगाकर। देखिए गांव में थोड़ी बारिश तो होती है ना, और गांव में छोटे छोटे गड्ढे तो है ना, अगर हम गड्ढों को बड़ा करें ताकि हम बारिश का पानी उन गड्ढों में जमा कर सके, ताकि हम खेती अच्छे से कर पाएंगे और खेती को पानी दे पाएंगे, तो पुराना तरीका छोड़ो
नए तरीके से खेती करते हैं। नया तरीका मतलब? जैसा मैं करता हूं, रोज सुबह 4 बजे उठो और 5 बजे खेती का काम शुरू कर दो। ये 4 बजे कुछ जरा ज्यादा ही होता है ना? नहीं मतलब 4 बजे तो गहरी नींद में सोता है ना आदमी। और ये बाकी आप देखिए, 5 बजे गांव की जमीनों में ओस तो होती है ना, ओस की वजह से थोड़ा जमीनों में गीलापन होता है ना। जमीन में गीलेपन की वजह से हम सुबह रोज काम कर सकते हैं और धूप में काम करने से भी बच सकते हैं, बराबर है? और उससे क्या होगा कि हमारे मवेशियों को थोड़ा आराम भी मिलेगा, बराबर है ना? तो कुल मिला के काम ज्यादा होता है ना? तो चलो कल से मेरे साथ काम शुरू करो, ठीक है? मंटे आई आलस। बस बस हाँ चला गया थारे तू। खाने के टाइम तो घर पे रहा करना। हाँ आई, काम करने के बाद खेतों में बैठकर खाना खाने का मजा ही कुछ और आई, और काम छोड़ के घर आते आते भूख मर जाती आई। चल खाना दे, मुझे वापस खेत में जाना है। थकला शिलना तू, तो खाना खा और घर पे आराम कर, कल चला जाना खेत। कल तो बहुत बड़ी जंग है आई, और उसे जितना जरूरी है। खाना बन गया है, पहले खाना खा लो फिर जंग की तैयारी करना। आया आई, चल खाना खा लेते। आएगा। क्या करो सुबह 4 बजे उठने का, ये मधु करना। ताजा वो जो क्या सोचा है तुम, वो सुबह 4 बजे उठ के खेत में, तुमको तो अच्छा लगता है क्या सुबह सुबह उठने का? अरे श्याम राव, बबन राव, वो क्या सोचा है वो मधुकर बाबा बोला ना सुबह 4 बजे उठने का। नहीं सोचो सुबह 4 बजे उठने का क्या? अन्ना अन्ना नमस्कार। नहीं देखो सुबह 4 बजे उठ के खेत में जाने का ये ठीक है क्या? क्या है ना कि भगवान ने सोने के लिए रात बनाई है और काम करने के लिए दिन है ना, तो ये मधुकर भाव खाली पीली अन्ना। अरे जाओ जाओ तुम ही करो खेती, मैं भी देखता हूँ कैसी खेती करते हैं। बोले ओस की बूंद में हल की जुताई, अरे ये क्या खेती होती है क्या? सुबह 4 बजे उठो और 5 बजे खेती में जाओ, अरे ये कोई खेती करने का तरीका है? देखता हूँ ना कैसा क्या होता है। तो उठो, पक्या पक्या उठ पक्या। हाँ ये कौन है रे सुबह सुबह? हे मधुकर बाबू। अरे पक्या पक्या, तू किसान के घर पैदा हुआ है, तू काम नहीं करेगा तो भूखा रहेगा कैसे चलेगा? काम चोर कहीं का, चल जल्दी। हे बाबा जा चल, मेरे को सोने दे चल। अरे पक्या चल। ए पक्या, अरे पक्या काम चोर। अरे पक्या काम चोर कहीं का। हे मधुकर बाबू सुबह सुबह गाली मत दे। काम चोर कहीं का, गुड नाइट चल। मेरी लड़ाई सुखा या बंजर जमीन से नहीं थी, मेरी लड़ाई गांव के लोगों से थी जो आज भी पुराने ख्यालों में जकड़े हुए थे। उन्हें समझाना आसान नहीं था, पर मैंने इसे भी एक चुनौती के रूप में ले लिया। उस दिन मैंने तय किया कि मैं अपने खेत पर नहीं दूसरों के खेत पर काम करूंगा, और मेरा यह तरीका काम आ गया। गांव वालों को यह बात बुरी लगी और सब मेरे पास आ गए।
मधुकर भाव हमको माफ कर दो, हम सब पागल हो गए थे, अब जाके अकल ठिकाने पे आई है हमारी। पागल तो होना ही होगा लेकिन काम के लिए। वो कहते हैं ना जब जागो तब सवेरा, तो चलो उठो लगो काम पे। हाँ हाँ ए, ए, चलो चलो भाइयों चलो काम पे लगो, चलो चलो। कभी हौसले से कभी सोच से कभी मन के विश्वास से उड़ने ख्वाबों को पर लगाए जो पर आकाश से देती है दिशा संसार को चुनकर रहे दुश्वार जो ने आज काफी तरक्की कर ली है। अगर हम विज्ञान का सहारा लेकर खेती करेंगे तो ज्यादा फसल काट सकेंगे। आज हमें जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान का नारा भी बुलंद करना होगा। भाऊ हम सब लोग तुम्हारे साथ में, अभी क्या कर रहे हो वो बोलो बस। मैं शहर जाकर कृषि वैज्ञानिक से मिला था, वो हमारे गांव भी आए थे, उन्होंने कुछ अच्छे सुझाव दिए मुझे। अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी खेती कर पाएंगे। उसे हमें मिलकर करना होगा। हाँ भाऊ अभी क्या कर रहे हो बोलो बस क्यों। देखो ये जो वहां पे जो दो सूखे सूखे गड्ढे हैं ना, उसे हमें तालाब बनाना होगा। इसके क्या होगा कि जो बारिश का पानी चारों तरफ से आएगा वो पानी को हम उस तालाब में जमा कर सके और उस पानी का इस्तेमाल हम खेती के लिए कर सकते हैं। हमें छोटी छोटी नहरों का भी निर्माण करना होगा और नहरों का निर्माण करके उसे उस तालाब में मिलाना होगा। हमें छोटी छोटी बावड़ियां भी बनानी होगी ताकि उन बावड़ियों का इस्तेमाल हम खेती के लिए कर सके। ठीक है भाऊ ये काम इसी बारिश में हो जाएगा बस। नहीं ये काम हमें अभी करना होगा ताकि अगली बारिश आते वक्त हमारा काम पूरा हो सके। बारिश आने के पहले हमने पानी रोकने का इंतजाम कर लिया था। गांव वाले अब दुगने उत्साह के साथ काम कर रहे थे। उनके अंदर भी भूख मिटाने की चिंता और कुछ अच्छा करने की ललक पैदा हो गई थी। गांव वालों को जागरूक करने का मेरा प्रयास रंग दिखाने लगा था। कम बारिश के बावजूद भी हमें गांव में तालाब और नहर में पानी जमा किया। पैदावार बढ़ने से सभी खुश थे। हमारी मेहनत और लगन से हमने सूखे से सामना करने का तरीका तो ढूंढ निकाला मगर गांव की खुशहाली के लिए हमें बहुत कुछ करना जरूरी है। हमें हमारे आने वाली पीढ़ी को स्कूल भेजना है, उन्हें अच्छी शिक्षा देनी है। सोचो अगर हर घर से कोई एक नौकरी करता है तो कितना सहयोग होगा। ए देवा अभी और एक नई मुसीबत, अब नौकरी ढूंढो। ए मधुकर भाव तू शांत नहीं बसू शकणार का बाबा। नहीं मी गप्पा बसणार नहीं, हमें हमारे गांव की खुशहाली के लिए बहुत कुछ करना है। जरा सोचो अगर तुम लोग पढ़े लिखे होते तो अपने इस जमीन को सूखा सूखा बोल के उसे बंजर बनाने के लिए छोड़ देते। लेकिन हमारे पास तो जमीन ही नहीं है, हम क्या करें। अरे भाई तो तुम दूसरों के खेतों में मजदूरी कर सकते हो, अगर फसल अच्छी होगी तो तुम्हें मजदूरी भी अच्छी मिलेगी। और हाँ अगर तुम खेती करना चाहते हो तो लो मैं देता हूँ मेरी जमीन का टुकड़ा तुम्हें, कर लो खेती उसमें। अरे मधुकर भाव अरे अपनी जमीन कोई दूसरों को देता है क्या। हाँ बोलो भाई देता है क्या। पर मैं दूंगा मेरी जमीन का टुकड़ा, और वैसे भी मेरे पास ज्यादा जमीन है और मैं पूरी जमीन पे खेती करवा भी नहीं पाता। और अगर कोई खेती करना चाहता है तो उसमें बुरा क्या है। अब दिन भर काम करते रहते हो, कभी अपने खेत में कभी गांव वालों के खेत में, थकते नहीं क्या। तुम्हें पता है जब मेरा दाहिना हाथ काट दिया गया था ना, तब मुझे ऐसा लगा था कि मानो मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं जिक्र करूंगा क्या।
पर मेरे माँ बाप की वजह से मुझे जीना पड़ा, उनकी खुशियों के लिए मुझे जीना पड़ा। जब मुझे गांव वालों के लिए कुछ करने का मौका मिला ना, तब मुझे ऐसा लगा कि मानो मुझे जिंदगी से कुछ सुखद अनुभव मिल रहा हो। मैं अपने आप से प्यार करने लगा। पता है, जब कोई किसान आत्महत्या करता था ना, बहुत बुरा लगता था और गुस्सा भी आता था। मूर्ख है ये लोग क्यों ऐसा पाप करते हैं। मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूं, उनको जिंदगी जीने का नया तरीका सिखाना चाहता हूं। अरे आत्महत्या करना समस्या का निदान नहीं है, ये कायरता की पहचान है। अरे कोई अपने परिवार को अनाथ कैसे बना सकता है। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आपके जैसे पति मिले, पर मैं आपसे जितना प्यार करती हूँ ना, उससे कई ज्यादा मैं अपने आप पर गर्व महसूस करती हूँ कि मैंने आपसे शादी की। पता है, मेरे गांव के सब लोग मेरे बाबा को मना करते थे कि बेटी की शादी इससे मत कराओ। एक हाथ नहीं है, पता नहीं जिंदगी में क्या करेगा, और कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते थे। पर अब जब मैं मायके जाती हूं ना, तो सब मुझसे नजरें चुराकर भाग जाते हैं। आपने एक हाथ से नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। अरे तुमने भी तो मेरा कितना साथ दिया है। पता है, पत्नी अगर समझदार हो तो पति का आधा काम हल्का हो जाता है। बस अभी तो और मेहनत करनी है, ज्यादा से ज्यादा फसल उगानी है, और मां का सपना भी तो पूरा करना है। बहू, इस साल तो कमाल कर दिया, ऐसी फसल कभी हुई नहीं थी। हाँ बकिया, इस बार फसल ज्यादा होना जरूरी थी। बहू, लेकिन गांव वाले बहुत खुश है तुम पर। इस साल बारिश कम हुई, लेकिन ये खेती करने के लिए पानी कम नहीं पड़ा। भाव, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ भाव। हाँ हाँ पके, गांव वालों को बदलना जरूरी था। अगर वो नहीं बदलते तो कुछ नहीं होता। अगर हमें कुछ करना है तो हमारे दिल में क्रांति की ज्वाला जलाना जरूरी है। हम बदलेंगे पकिया, हाँ, तो युग बदलेगा। भाव, ये बातें तो बचपन में सुनी थी। हाँ बचपन में सुनी थी, पर इस पे कभी अमल नहीं किया। और देखो, हाँ, आज हमने अमल किया तो गांव में देखो कैसी क्रांति सी आ गई। और इस क्रांति की ज्योत को जलाए रखना हमारा धर्म है। नहीं नहीं भाऊ, ये तो हम सबका धर्म है। देखो, आपने जो रास्ता बताया उस रास्ते पे जाके हम सब गांव वाले खुश हैं, और मैं भी। गांव वालों के साथ बकिया को बदला देख मैं बहुत खुश था। इस बार फसल बहुत ज्यादा हुई थी, उसकी खुशी और दुगनी हो गई थी। मेरे पास उतने पैसे आ गए थे कि मैं अपनी आई का सपना पूरा करूं। आई, आग बन के रहना, और जब तक मैं ना बोलूं ना खोलना, ठीक है? बरा बरा, और सामने क्या दिखा रहा है? अरे तू चल तो सही, रुक जाओ। अब आई, आंखें खोलो तो सामने देखो, धीरे धीरे। अपनी गाड़ी आई। आपने गाड़ी? हाँ। तूने लिया? हाँ। तूने लिया? हाँ, ये मैंने लिया। अपनी गाड़ी देख। कैसे आई गाड़ी? सुंदर। आई, मैंने तुझसे वादा किया था ना, एक दिन तुझे कार में जरूर घुमाऊंगा। लो माँ, अपना सपना पूरा हो गया। पहली बार कार में बैठकर आई बहुत खुश थी। आई को इतना खुश देखकर मुझे एक सुखद अनुभूति मिल रही थी। एक हाथ से कार चलाते हुए मुझे ऐसा लग रहा था
कि मानो सारी खुशियां बटोर कर मैंने अपने पास रख ली हो। बस एक कसक थी, काश बाबा भी हमारे साथ होते, पर पैरालिसिस का बड़ा अटैक उन्हें हमसे बहुत दूर ले गया था। अपंगत्वावर मात करून मी शेतीमध्ये भलताच विकास केलेला आहे। एका हातानं सर्वच शेतीचे काम मी करून आज कष्टाच्या शिखरावर जाऊन पोहोचलो। मला त्यात पूर्णपणे यश आलेलं आहे। सुरुवातीला बैल नव्हते, ढोर नव्हते, काहीच नव्हते, फक्त शेती पडीत मधून नाला जात होता। हात मोडल्यानंतर मी शेतामध्ये एकला विचार करीत बसलो, मला शेतीशिवाय पर्याय नाही म्हणून। दोन एकर शेत मी एक महिना दीड महिन्यात खोदून तयार केलो, काम नसल्यामुळे एका हातानं टिकाव घेऊन। दुष्काळी समस्याला कंटाळून आजकाल बरेच लोक आत्महत्या शेतकरी करीत आहेत, त्याची मजा लाज वाटते। एक हाताने मी काम करून गरिबीवर मात मिळवलो। आज सगळ्या गावामध्ये 150 एकर शेती कमावून मी मोठा शेतकरी, सगळ्यात मोठा शेतकरी झालो निव्वळ कष्टाच्या बळावर। प्रयत्न ही भाग्याची जननी आहे। ये देश और ये समाज तभी खुशहाल रह पाएगा जब इस देश का हर गांव, हर खेत लहलहा उठे। बस जरूरत है एक ख्वाब देखने की, और यकीन मानिए उस ख्वाब को भरने के लिए लोग खुद ब खुद जुड़ते चले जाएंगे।